नमस्कार दोस्तों, अब शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की 12वीं दिन की कथा अध्याय 12 में। इसमें हम सुनेंगे द्रौपदी की अग्नि कुंड से उत्पत्ति और श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश। नारद जी बोले, हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर उस चिंतातुर बाला ने क्या किया? सेवा, धर्म और सिद्धि के लिए मुझ दीन की सुनने की इच्छा है, सो कहो। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था, तब भगवान ने युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार शिव के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी श्वास लेने लगी, अत्यंत डरी हुई, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई रोने लगी, हृदयाग्नि से उसका शरीर जलने लगा और उस तपस्विनी की अवस्था दावाग्नि से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब काल ने उस तपस्विनी को धर दबोचा, जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्ष काल में मेघ से छाए हुए आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही वह तप से पाप भस्म कर अपने ही आश्रम में मर गई। उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन अर्थात द्रुपद अनेक सामग्री से युक्त एक महान यज्ञ कर रहे थे। तब उसी यज्ञ कुंड में से स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले ऋषि कन्या थी, जो अब यह राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इसके विवाह के बाद राजा द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। हे राजन, इसके स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेध कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन करके इसे प्राप्त किया था। श्री नारायण बोले, हे नारद, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़कर खींचा था और कर्ण ने शूल जैसे कटु वचन सुनाए थे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसके द्वारा पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास को त्यागने के कारण मैंने भी इसको त्याग दिया था, परंतु इस जन्म में जब इसने मुझे पहली बार देखा तभी इसे मेरे साथ प्रीति कर ली थी, अनुराग कर लिया, मुझे सखा बना लिया। दुशासन द्वारा चीर हरण के समय जब अत्यंत स्नेह के साथ मेरा नाम लेकर यह बार बार चिल्लाई कि हे दामोदर, हे दया के सिंधु, हे कृष्ण, हे नाथ, हे जगतपते, हे रमानाथ, हे केशव, हे कलेश नाशक, मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखी, भांजा, बहन, ईष्ट मित्र, पति आदि कोई भी नहीं है, हे ऋषिकेश, मेरे तो सब आप ही हैं, हे गोविंद, दुशासन मेरा भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या आप इसे नहीं देख रहे हैं? दुशासन द्वारा खींच कर लाई जाने वाली द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु जब उसने मुझे याद किया तब हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़कर वहां आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से इसको आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझ में स्नेह करने वाली, मुझे अत्यंत प्यारी पतिव्रता, मेरे प्राण तुल्य और मेरी प्रिय सखी है, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम के अनादर करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी, अतः पुरुषोत्तम का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूँ। सभी प्रकार से यह पुरुषोत्तम मास मनुष्यों, मुनियों और देवताओं को भी मान्य है और मन इच्छित फल देने वाला है, अतः अब आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, राज्य सभा में जिस जिसने भी द्रौपदी के केशों को खींचते हुए देखा है, मैं उन उनकी स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा और दुर्योधन आदि राजाओं को यमलोक पहुंचाकर सब शत्रुओं का नाश करके तुम्हें सम्राट बना दूंगा। हे राजन, मुझे लक्ष्मी जी,
बलदेव जी, माता देवकी, सात्यकी, प्रद्युम्न आदि कोई भी उतना प्रिय नहीं है जितना मुझको मेरे भक्त प्रिय हैं। जिसने मेरे भक्त को सताया है मैं उसे सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडुपुत्र, मेरा उसके समान कोई शत्रु नहीं है, मैं उसकी ओर देखता भी नहीं हूँ। उसको यमराज भी दंड देने के अधिकारी हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और पांचों पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अब मैं अपने विरह में विकल द्वारिकापुरी को जा रहा हूँ, जहाँ महाभाग वसुदेव जी, मेरे बड़े भाई बलदेव जी, माता देवकी, गद, सांब आदि, आहूक, उग्रसेन आदि यादव लोग, रुक्मणी आदि मेरी पत्नियाँ, ये सब मेरे आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर मेरे दर्शन की उत्कंठा में, मेरे चिंतन में लगे हुए हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण भगवान के ऐसा कहने पर और उनके जाने के अभिप्राय को समझकर पांचों पांडु पुत्र गदगद कंठ से बोले, हे जनार्दन, जैसे जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, वैसे हमारे भी जीवन आप ही हो। हे जगदीश्वर, हम भले बुरे जैसे भी हैं, बस आपके ही हैं, हमें भूल मत जाना। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपके पद रूपी कमलों के अधीन है, आप ही हमारे जीवन के आधार हो। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं। पांडुपुत्र ऐसा कहकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण प्रेम मग्न हो रथ में धीरे धीरे बैठ पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारिकापुरी चले गए। श्री नारायण बोले, द्वारिकानाथ, श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी चले जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप नियम व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाइयों से युधिष्ठिर जी बोले, आह, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महत्तम सुना है, इसके बिना आराधना के मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, धन्य और श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम की पूजा करे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि अनुसार नियम धारण किया। इमुने 14 वर्ष भी पूरे हो गए, तब श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने भारतवर्ष का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। पहले सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा पुरुषोत्तम के ही आराधना से महालक्ष्मी पाकर पुत्र पौत्र आदि का सुख तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में हरि लोक को गए। हे मुनि सत्तम, मैं पुरुषोत्तम मास का अतुल महत्तम करोड़ों कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रों, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम का महत्तम वेद व्यास जी से सुना है, तो भी कहने में असमर्थ हूँ। संपूर्ण महत्तम को या तो आप नारायण ही जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि जानते हैं। सब ब्रह्मा आदि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं। स्वयं पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास का महत्तम नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा द्वादश अध्याय समाप्त।